एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर के बाद हेमंत सरकार से वापस लेंगे समर्थन। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बालू की कालाबाजारी से निर्माण पर असर पड़ रहा है, बालू की शिकायत पर अधिकारी धमकी देते हैं, सरकार बालू घाटों की बंदोबस्ती कर लोगों के लिए फ्री करे। कालाबाजारी में अधिकारियों की भूमिका बहुत ज्यादा है, ये भी कमलेश ने कहा। वही पुलिस रात भर बालू की कालाबाजारी कराती है, राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की धमकी भी दी। जो मांग मेन मांग था उसको आप नहीं पूरा किए। हम सपोर्ट किस लिए देते हैं? हम सपोर्ट किस लिए? हम कहाँ फॉल्ट है? हम नहीं हैं फॉल्ट। हम अपना क्षेत्र के लिए मांग रखे थे कि आप जिला बना दीजिए, और माननीय शरद पवार जी ने मंच पर बोले थे कि बहुत जल्दी हम जिला बना रहे हैं, लेकिन नहीं बना, तो हमारे साथ भी लाचारी है। और 31 अक्टूबर को हम सरकार को चिट्ठी दे दिए हैं कि अगर 31 अक्टूबर तक आपने जिला का घोषणा नहीं किया हुसैनाबाद को, तो 1 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सब करके और सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लेंगे। यह चीज़ हम लोग माननीय अजीत पवार को भी बोल दिए हैं और प्रफुल्ल साहब को भी बोल दिए हैं। आज तक तो हमने कोई मांग पूरा होते देखा ही नहीं है। जैसे आप बोले, जैसे चाहे वो बालू हो चाहे जिला हो, तो अब मैं हाइपोथेटिकल जिस दिन हो जाएगा तब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारा अभी तो हमारा समर्थन यूपीए के साथ है, लेकिन हम लोग एनडीए अलायंस में अजीत पवार जी के साथ हैं, और वो समर्थन जो है वो भी जनता के विकास का है, वैचारिक मुद्दों पे नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट यूपीए से हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है पिछले 4 साल से, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट इश्यू हो, और आप लोग भी प्रेस हैं, सारा कवर कर रहे हैं, झारखंड में बहुत ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो अन्य भी चीज हो, चाहे वो करप्शन का भी इशू हो। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी हम हुसैनाबाद क्षेत्र का एक एग्जाम्पल देते हैं। पिछले 1 महीने से, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ी चीज है, पिछले 1 महीने से वहां पे डीएसपी नहीं है, वहां सीओ नहीं है, वहां पे कुछ बीडीओ नहीं है। और बताइए, ये सरकार बोलती है कि हम जनता की सरकार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।